हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग जा रहे थे दार्जिलिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ ये व्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे वंदे भारत से फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एक्सपीरियंस में बोलूँ तो 10/10 था। मतलब बहुत ही अच्छा था। वैसे तो हम लोग चेयर कार से सफ़र कर रहे थे, बट चेयर कार भी काफ़ी कंफर्टेबल था। और आप स्लाइडिंग डोर्स देख सकते हो, ऊपर में हम लोग लगेज वगैरह रख सकते हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स था। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस था और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। सामने आपको डेस्क दे रखा था जिस पे आप सारा अपना सामान रख सकते हो, जिस पे आप लंच वगैरह करते हो। तो मैंने उस पे अम्मू का बैग रख रखा था, एंड यू कैन सी उस पे डिस्प्ले भी एक कर रखा था कि हम लोग कौन से स्टेशन पे आने वाले हैं। एंड ये सब लाइट्स दे रखी थी जो कि बिल्कुल सेंसर उसमें लगी हुई थी। और हमें लंच में मिला, ये मतलब स्नैक्स था, लंच तो हमारा स्किप हो गया था। तो हम लोग ने शाम को स्नैक्स किया और काफ़ी कंफर्टेबल था, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये रात का डिनर था जो भी था, बहुत ही डिलीशियस था। उसके बाद हम लोग रात में पहुंच गए दार्जिलिंग। सो ये दार्जिलिंग हमारा रोहिणी में हमारा होटल था, जो कि हमारा IOCL का ये होटल था। IOCL की तरफ से हमारा होटल होता है, तो हम लोग IOCL के गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। और हम लोग का डे वन स्टार्ट हो गया था, और हम लोग यहाँ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग चीज़ें खा रहे थे, कोई छोले भटूरे खा रहा था, कोई पराठा खा रहा था। और खाना बहुत ही टेस्टी और हाइजेनिक मुझे लगा। और यहाँ पे क्यूट क्यूट से कुछ यहाँ पे मुझे कप सेट्स और केटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वैरायटी के मिले। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ गए थे वो था एक ज़ू, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ज़ू आप मत सोचना कि ज़ू है तो मतलब नहीं जाना, ये ज़ू काफ़ी अच्छा था, पूरा ग्रीनरी से भरा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब इसका नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन। और ये देखो, ये मैंने रेड पैंडा पहली बार देखा था अपने लाइफ में, पहली बार रेड पैंडा। ये वैसे तो मैंने इसको कार्टून में बहुत बार देखा है, लेकिन आई वाज नॉट नोइंग दैट इसको रेड पैंडा भी बुलाते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे मतलब उधर एनिमल्स थे, हमें तो ज़ू के बाहर भी काफ़ी एनिमल्स मिल गए जो कि हमने बस बुक्स वगैरह में देखा था। काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और हम भी साथ में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर एक वैसे तो म्यूज़ियम भी था अंदर, जिसके अंदर आपको पूरा सब कुछ मिल जाता, वो प्रिजर्व करके रखते थे, टाइगर की खाल वगैरह सारा सब कुछ, और राइनोसोरस का पैर, हाथी का पैर हमने फर्स्ट टाइम देखा। और कुछ कुछ ग्लासेस में रखे हुए थे, जैसे कि स्नेक हो गया या बेबी मंकी हो गया, वो सब प्रिजर्व करके रखे हुए थे। बट उधर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। सो यहाँ पर और कुछ कुछ बहुत ही फनी चीज़ें भी बनी हुई थी, मोगली की और ये सब, बच्चों को और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। एंड लुक एट द फ्लावर्स, माउंटेन में भी कहीं कहीं भी फ्लावर्स उग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे घर में उगे तो हम पानी देते देते थक जाते, लेकिन जल्दी उगता नहीं है। पहाड़ों पर देखो कितने सुंदर सुंदर लिलीज उगे हुए हैं, मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, मुझे लगा था मैं उधर रह जाऊँ। फिर उसके बाद हम लोग शायद म्यूज़ियम की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे तो यार नज़ारा काफ़ी पसंद आ रहा था, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी नज़ारा, बिल्कुल ग्रीनरी। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सो आई वाज लिटरली वेरी मच एंजॉयिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डियर्स वगैरह थे,
और ये मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे साथ गई थी, और यहाँ पे इतने वैरायटीज़ के फ्लावर्स थे कि मुझे बहुत पसंद आए। ये भी एक और म्यूज़ियम था जहाँ पे आप माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह, जो फर्स्ट माउंटेन क्लाइंबिंग कौन किया था, ये सब वगैरह, वो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट ले जाते थे अपने साथ, वो सब रखा हुआ था। कौन सी क्लोथ्स पहनते थे, कैसे खाना बनाते थे, वो सब कुछ वहाँ रखा हुआ था, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा। और ये सब देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉलेज के लिए, कि हमें पता होना चाहिए ये सब। तो थोड़ा बहुत हम लोग स्टाइल भी मार रहे थे बीच बीच में और ये देखो हमें कैसे, मतलब चीता मतलब दिख गया, काफ़ी बड़ा था। आई हैवन्ट सीन दिस मच बिग चीता। वहाँ की लड़कियाँ इतनी क्यूट होती है, मतलब जापानीज कोरियन टाइप की, इतनी सुंदर सुंदर कि मेरा तो यार दिल ही आ गया था। और यही था वो म्यूज़ियम। हमें टाइगर भी दिख गया था बिल्कुल पास से, और कितना बड़ा टाइगर था, बहुत ही बड़ा टाइगर था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को इंजॉय करते देख, और हम भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। वेदर भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए कोई मतलब डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आ रही थी। फिर सेकंड जो स्पॉट हम लोग गए थे वो थे जापानीज टेंपल। यहाँ पर हम लोगों ने देखा बुद्ध जी देखा, और यहाँ पर परिक्रमा करनी रहती है, तो परिक्रमा करे बिना मत जाना। ऊपर जाने के बाद इतना सुंदर नज़ारा मिला, अगर मैं ऊपर नहीं जाती परिक्रमा करने, क्योंकि मैं चल चल कर थक गई थी इतना सुंदर नज़ारा मिला कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब इतना नेचुरल, मतलब इतना नेचुरल ब्यूटी मैंने कहीं नहीं देखा अब तक, तो कहीं नहीं देखा। वैसे मैं गैंगटॉक भी गई थी, तो काफ़ी जगह पहाड़ों पर बहुत ही नेचुरल ब्यूटी आपको मिलता है। जितना मतलब मैंने नेचुरल ब्यूटी दिखा है ना, मुझे पहाड़ों पर ही दिखा है। और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे इस टाइम में भी, मीन्स हम लोग गए थे मई में, और काफ़ी सारे लोग थे, और सब लोग इंजॉय कर रहे थे वहाँ बैठ कर, इंजॉय कर रहे थे और मैं भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और वहाँ का एक फेमस जगह है मॉल रोड, बट मैं आपको बताऊंगी कि मॉल रोड जाना, मॉल रोड तो आप जाना ही जाना, बट चौक रोड एक है शॉपिंग एरिया, जो कि मॉल रोड से ज़्यादा मतलब इनएक्सपेंसिव है। मॉल रोड काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम लोग चौक बाज़ार भी गए थे। चौक बाज़ार में हमने बहुत सारी शॉपिंग की, क्योंकि वहाँ पे रीज़नेबल रेट्स में सब कुछ मिल रहे थे, और हमने खूब सारी शॉपिंग की, हमने खूब मज़ा किया। और फिर हम लोग जा रहे थे अपने थर्ड स्पॉट पर, मतलब हम लोग जा रहे थे कि हम लोग फर्स्ट डे ही आधा से ज़्यादा स्पॉट्स कवर कर ले। और हमने एक कार हायर की थी, और सेकेंड डे अलग ड्राइवर को हायर किया था, और ये हम लोग पहुँच गए थे घूम मोनेस्टरी, जिसमें इतना अच्छा फॉगी वेदर था कि अचानक से हमें ठंड लगने लगी थी। आप देख सकते हो कि अम्मू को भी मैंने ये पहना दिया था स्वेटर उसका, और मैंने भी एक शॉल रख लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी अचानक से। और मोनेस्टरी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, कुछ मीन्स चीज़ें आप बाय कर सकते हो अंदर से, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी, और हमने वहाँ भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और नीचे हम लोग ने खाना खाया, और हम लोग चले गए अपने फोर्थ डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है बतासिया लूप। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब टॉय ट्रेन आने वाली रहती है तो सब लोग रहते हैं कि हमें फ़ोटो साथ में खिंचाना है, हमें फ़ोटो तो इसी भीड़ भड़क्का में मेरे से तो ढंग से वीडियो नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं भी फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी थी
तो ये है कोल इंजन जो कि 1881 में आई गेस की बना था, काफ़ी पुराना है ये। तो हम भी फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे थे। फिर हम लोग फिफ्थ डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे अपने, जो कि है टी गार्डन। टी गार्डन दार्जिलिंग का तो फेमस है, यहाँ पर घूमे बिना कोई जा नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम बिताया और कुछ कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए थे, काफ़ी मज़ेदार था, मतलब काफ़ी मुझे मज़ा आया। आप लोग भी ज़रूर जाना। सो मैं तो पूरा मज़ा ले रही थी झरने का, और मैं अब चल नहीं पा रही थी, मुझे चलते चलते मतलब थक गई थी। सुबह से हमने बहुत सारे डेस्टिनेशंस कवर किए हैं और अब मैं बोली थी कि अब बस करो, अब हम लोग होटल में जाकर रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा वाटरफॉल होता है, इससे भी ज़्यादा वाटरफॉल होता है किसी मौसम में। अभी वैसा मौसम नहीं था। फिर रेस्ट करने के बाद होटल में हमारे हस्बैंड तो रह गए थे, तो हम लोग ने मॉल रोड जाने का सोचा, क्योंकि हमारा होटल जस्ट मॉल रोड के पास ही था। तो हम लोग पहले ये टी हाउस में गए थे जहाँ पे, जिसका नाम है गोल्डन टिप्स। यहाँ पे बहुत सारे चाय की वैरायटी आपको मिल जाएगी, मींस ग्रीन टी की भी वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी। ग्रीन टी, रेड टी, ब्लू टी, लेवेंडर टी, कैमोमाइल टी मैंने टेस्ट किया था। रोड साइड भी काफ़ी फास्ट फूड के स्टॉल थे और भीड़ इतनी कि पूछो मत, मैंने तो खाया ही नहीं। और विंटर क्लोथ्स भी काफ़ी मिल रहे थे, मेरी फ्रेंड ने एक जैकेट लिया। और हम लोग पहुंच गए थे अपने सेकेंड डे पे, ये था रोप वे। हाँ, रोप वे पे हम लोग गए थे और हमने रोप वे पे भी बहुत मस्ती की। आई गेस कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, उसमें मैं बताऊंगी आपको अपना रोप वे का एक्सपीरियंस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।